कैसे और स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे सक्षम को डायरेक्टली लेबर से और इंडस्ट्री से जोड़कर हरियाणा के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाए और एक जिले से भी दूसरे जिले में जहां पर युवाओं को हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में यूटिलाइज कर सके, सक्षम के अंदर वो लिबर्टी दी जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि सक्षम कार्यक्रम बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर कैसे प्रोग्रेस आए उसके ऊपर कार्य। गुड गवर्नेंस की बात करें तो हरियाणा का 7वां नंबर आया है, और दूसरी तरफ आप कल ग्रीवेंस की मीटिंग में गए थे जहां आपने एक गवर्नेंस का उदाहरण मिला है, जब एक विकलांग था उसको लेकर के जो आपने आदेश दिए थे वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अधिकारियों की तरफ से। देखिए, जहां ऑफिस की बात है, हर कर्मचारी की जिम्मेवारी, पर मैं मानता हूं कि जिस तरीके से तमाम मंत्रीगण के सदस्यों ने अलग अलग प्रदेश के कोणों के अंदर जाकर एक होकर गुड गवर्नेंस डे को बनाया, इसने साबित कर दिया ये गठबंधन की सरकार प्रदेश के हित के लिए नई योजनाओं के साथ विकास कार्यों को आगे लेकर चल रही है। और जिस तरीके से मेरे लिए तो उपलब्धि मानूंगा, स्किलिंग के अंदर जो पनियाड़ा मोटा का इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज उसका फाइनल अप्रूवल के साथ साथ फेस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी हम 50 दिन में फील्ड में ले आए, जिसके अंदर बाय एंड ऑफ फरवरी फुल फ्लेज स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक मॉडल पूरे हरियाणा के लिए पनियाड़ा मोटा को हम बनाएंगे। इस तरीके से जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको आज और विकसित करने की जरूरत है, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है। आज बड़ी खुशी की बात है, मेरे को आज ही रिपोर्ट मिली कि आने वाले समय में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोड है वो केवल मात्र हरियाणा के एम्प्लॉयज नहीं, हरियाणा में जो भी एम्प्लॉय होगा सबके लिए हम लागू करने का काम करें। तो इस तरीके से छोटे समय के अंदर भी हम डेवलपमेंट कार्यों को अगर बड़े अच्छे तरीके से फील्ड में लेकर आ रहे हैं, ये सरकार अपनी गति पकड़ चुकी है और प्रदेश के लिए काम करना शुरू। सर, दादा गौतम की नाराजगी दूर होती नजर नहीं आ रही, अब गजनवी साहब तो कल ही बता दिया था, आज दोबारा बयान दिया है गजनवी को लेकर। बयान देना और टीवी पे दिखना एक अलग चीज है, अगर उनका इस्तीफा ऑफिस में आएगा तो निशांत सिंह जी हमारी तरफ से अधिकृत है, वो उसके ऊपर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। और अगर मैं उनकी बातों का बुरा मानने लग जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरे जो 7 विधायक गण हैं कहीं ना कहीं फिर मैं उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करूं। लेकिन सर, जो उनके आरोप है आप उनका बुरा भले ही ना माने, एम्बियंस मॉल में एक सेटिंग की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरवाने के लिए चुनाव लड़वाया गया दिग्विजय, तो इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? मैं वही चीज कल बोल के था, उनकी बातों पर मैं टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। और आज हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में कैप्टन अभिमन्यु सरकार के पहले हिस्से थे, आज उनके डिपार्टमेंट्स मेरे पास, उसके बावजूद भी मेरी उनकी आज तक मुलाकात नहीं, मगर उनने जो बात कही है किस इच्छा से कही है, इस सोच के साथ कही है, वो आकर मेरे से मिलकर वो बात बताए जरूर, अगर उसके अंदर मेरी कमी रहेगी तो मैं सुधारूंगा, और अगर उनकी कोई भावनाओं को ठेस पहुंचेगी उसको सुधारूंगा। वो कहते मैं मंत्री बनता तो कैप्टन अभिमन्यु की जगह कंपनसेट, अगर मंत्री बनने की इच्छा ही सब कुछ आदमी के मन में है तो फिर मेरे को लगता है संगठन प्राथमिक है, संगठन को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी।